अरे जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने को जिले में कितने काम हुए वो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा पूरा जिला जानता है, पूरा सुजानपुर जानता है। सरकार कांग्रेस की थी, राजा वीरभद्र जी से मैं मिला और डेढ़ साल बाद उन्होंने कहा, सवा साल बाद, कि आपको पार्लियामेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जो आपका आदेश आदेश माना जाएगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। कहते आप बताओ। मैंने कहा जिस मकसद को लेकर मैं चुना गया था वो मकसद पूरा होना चाहिए। कहते बताओ। मैंने कहा मेरे सुजैनपुर के काम होना चाहिए, जो मैं बोलूं वो आपने करना है। और उसके बाद सुजैनपुर में क्या नहीं हुआ। अरे जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने को जिले में कितने काम हुए वो पूरा प्रदेश जानता है, पूरा पूरा जिला जानता है, पूरा सुजैनपुर जानता है। अरे सुखू जी आप भी मुख्यमंत्री बन गए, आप तो मीरपुर के मुख्यमंत्री नहीं, आप तो ज्यादा शिमला के मुख्यमंत्री बने। सारे के सारे एडवाइजर मंत्री ओएसडी सारे शिमला से लगा दिए। आप इनको पूछो कि 14 महीने में मीरपुर के कितने चक्कर लगाए वो भी तो बता दो, कितने आपने काम किए सर। आपके जिले के सुखू जी को छोड़ दो, वो तो मुख्यमंत्री हैं, बाकी 4 एमएलए से 3 एमएलए क्यों चले गए, मेरे साथ कुछ हो सकता है। इंडिपेंडेंट एमएलए के साथ क्या हुआ, अपने बिस्तरे के नीचे भी जरा झाड़ू मार के देख लो कि कितना अपने नीचे कितना गंद पड़ा हुआ है, उसको भी साफ कर लो। दूसरे को तो कह रहे हैं कि ये बिक गए, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा सुखू जी आपने अभी तक जितने पैसे नहीं देखे हैं, जितने तो मैं गरीब जरूरतमंद और समाज की सेवा में लगा चुका हूं,